जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 24 जून और वार है सोमवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर लहसुन का क्या भाव है। किसान भाइयों, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी ख़राब हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। और अगर देखा जाए आज भाव की बात करें, तो भाव से पहले आवक की बात करें तो आवक मान के चलो कि 3500 से 4000 कट्टे के आसपास। और अगर भाव की बात करें तो देखो, बड़ा साइज़ माल तो नहीं दिखा है, लेकिन जो माल अपने को दिखा है मुझे ऐसा लगा उसमें काफ़ी अच्छा दाम मिला है। मतलब पहले की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, शनिवार की अपेक्षा। थोड़ा सा हो सकता है कैमरे का भी आज इशू आ रहा है, तो पहले से अच्छा भाव मिला है उसमें कोई शक नहीं है। मतलब ज़्यादा अच्छा तो क्या, मतलब 500-700 रुपये तक क्या मुझे तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि छोटा साइज़ भी आज अच्छा गया है। हालांकि बड़ा साइज़ दिखा नहीं, तो आप बोलेंगे 18-19 हज़ार वाला तो दिखा नहीं, तो वो अगर अच्छा होता तो वो भी अच्छा जाता। उस तरह का माल आज दिखा नहीं फ़िलहाल, हो सकता उधर अगले वाले छपरे में ज़रूर होगा उस साइड। बाकी आगे भाव दिया है, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ किसान भाई बोलते हैं वीडियो नहीं मिलते, मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण तो वीडियो को आप लाइक नहीं करते, दूसरा या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोनों काम करके रखेंगे तो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। दूसरा प्रश्न, लहसुन का क्या होगा? बढ़िया होगा, बिना टेंशन रखो। हाँ, ख़राब हो रहा है तो उसको निकाल दो, क्योंकि ख़राब का भाव वो नहीं मिल पाएगा जो अपन सोच रहे हैं। बाकी अच्छा माल है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, बिल्कुल रोक के भी नहीं रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका माल है, आपको जैसे बेचना हो। क्योंकि हम लोग एक साथ रोक के रखेंगे, बाद में एक साथ निकालेंगे, बात वही आएगी। तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में सप्लाई चलने दो, सप्लाई चेन मत रोको। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और कोशिश कीजिएगा इस साल लहसुन कम लगाए, जितना लगाए उतना ही लगाया जाए। और प्याज का भी मैं यही बोलूँगा, लेकिन प्याज के रकबा इस बार बढ़ा दिया गया, तो मुझे लग रहा है कि प्याज अगले साल थोड़ा डाउन रह सकता है। क्योंकि रकबा बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो इस साल भी अगर ऐसा होता, अगर वो पानी नहीं गिरता और ख़राब नहीं होता, इस साल भी इतना भाव नहीं मिलता जितना भी मिल रहा है। तो सारी समझदारी वाली बात होती है कि हम रकबा ना बढ़ाएं और लिमिटेड रखें, ताकि हर एक चीज़ का हम लोग भाव ले सकें और हर एक किसान भाव ले सके। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना। थोड़ा सा आज हो सकता है एनर्जी लो लग रही होगी, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज तबीयत ऐसी हो रही थी कि मेरी आने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर पता नहीं आप लोगों का प्यार है कि क्या है, मैं उठा और नहीं, मैं इनका जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा लगता है कि किसान भाई वेट कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको भाव देना है, भाव बताना है, सही जानकारी देना है। तो इस कारण फिर उठा और फिर मैं चला आया, चाहे वो प्याज हो चाहे लहसुन हो। चलिए आगे भाव दिया, भाव ज़रूर देखिए। जय जवान जय किसान जय बलराम। 15,000। अच्छा, 15 बीघा, कौन सा वाला? ये वाला, ये 15,000। किसान भाई, एक माल बिका 15,000 रुपए के हिसाब से। माल देखिए तो छोटा साइज माल भी इसमें, ये वाला मिक्स है इसमें ऐसा? हाँ, मिक्स ही है। मिक्स है? हाँ। इसमें देखो किसान भाई, छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है, और देखा जाए तो देखो इस तरह का माल है पूरा। दादा, वेरायटी कौन सी है? तुलसा। और ये वाला क्या भाव बिका? 11,900। एक माल बिका किसान भाई 11,900 रुपए के हिसाब से। माल देखेंगे तो इसमें छर्री पैटर्न में भी है और लड्डू पैटर्न में भी कहीं नहीं। और ये अगर, ये वाला क्या भाव बिका? 13,500। और एक माल बिका 13,500 रुपए के हिसाब से। ये भी अगर देखा जाए तो ये कली खिली हुई है इसमें। और क्या नाम दादा आपका? नेमीचंद। हाँ आप जी? नेमीचंद। कहाँ से आए? अनुघड़ा से। क्या भाव बिका आज आपका ये लहसुन? 15,000 रुपए। 15 बिका, 13,000 और 11,000 भी बिका। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, चलिए थोड़ा और आगे चलते देखते हैं। दादा ये किसका माल है? राम राम दादा, राम राम। क्या भाव बिका दादा? 14,610। एक माल बिका किसान भाई 14,610। पत्ती निकली हुई, ये वही माल है ना? और पत्ती निकली हुई है, बड़ा साइज माल भी इसमें, और लड्डू पैटर्न में भी आप देखने को मिल रहा होगा आपको, कहीं के हल्का हल्का काला तो नहीं है वैसे? पर्ची बताओ दादा। नहीं, पर्ची कोई बात नहीं। दादा क्या नाम आपका? कहाँ से आए? आज क्या भाव गया आपका लहसुन? 14,610। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, चलिए। और ये भी आपका ही है क्या? ये वाला किसका है? आपका है? क्या भाव गया दादा? ये 9,500। किसान भाई छर्री पैटर्न में कहीं ना कहीं छर्री साइज माल है कहीं ना कहीं, और जो कि बिका 9,500 रुपए के हिसाब से। ये वाला भी आपका ही? इधर वाला? अच्छा, उनका है। क्या दादा, क्या नाम आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी कहाँ से आए?
आज क्या भाव हो गया लहसुन अपना? ये 9,500। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ये वाला किसका माल है दादा? ये वाला और वो वाला? ये वाला क्या भाव गया? 13,510। किसान भाई एक माल बिका 13,510। वाइटनेस नहीं है ज्यादा खतरनाक ऐसी। और देखा जाए तो ये वाला मिक्स है इसमें? लड्डू पैटर्न में मिक्स है, बड़ा साइज में मिक्स है। क्या नाम दादा आपका? कमल सिंह ठाकुर। कमल जी क्या भाव हो गया आपका लहसुन ये? 13,510। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। कुछ और चलते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं। ये कली क्या भाव गई थी? 15,000 बिकी। कली बहुत बढ़िया। किसान लोग कली वाक्य में जबरदस्त है और ये कली बिकी है 15,000 रुपए के हिसाब से। बाकी कली वाक्य में कली नहीं काजू है तो, और ये क्या 15,000 रुपए के हिसाब से। दादा किसका माल है ये? क्या 15,000 वाले दादा कहाँ गए? अच्छा वो दादा आ रहे हैं। ये क्या क्या भाव बिकी कली आपकी? 15,000 पूरे। बढ़िया भाव मिला, एक नंबर। चलिए जय जवान। क्या नाम क्या आपका? जितेन धोतिया। जितेन जी कहाँ से आए? चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। बिक गया? एक मिनट आ रहा हूँ उधर से मैं। ये बिक गया आपका? क्या भाव बिका? 7,300। ये दात्रा वाला माल है? दात्रा वाला माल है किसान भाई, जो कि किसान भाई अभी रख रहे इसमें, और 7,300। चलिए जय जवान जय किसान। थोड़ा और आगे चलते हैं किसान भाइयों, देखते माल और किस तरह का क्या है। ये क्या भाव बिका दादा? 14,900। एक माल दिख रहा है जो कि 14,900 बिका है। माल देखेंगे जिसमें छोटा साइज भी है, लड्डू पैटर्न में भी है, छर्री भी है और मीडियम भी है। तीनों तरह की वैरायटी है। वाइटनेस है इसमें, लेकिन हाँ कहीं कहीं अंदर से देखेंगे तो कालापन और ये जो जो समस्या है उसमें चालू हो चुकी है अगर देखेंगे आप तो। दादा ये ऐसी ऐसे अंदर भी है क्या? ऐसा घर पे तो नहीं ऐसा? और देख लेना हो ना तो भाव कम करा देगा। ये मरने लग गया लहसुन। ये क्या नाम दादा आपका? कहाँ से आए? क्या भाव क्या आज आपका लहसुन? ये 14,900। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये वाला माल किसका है? क्या भाव बिका है? 15,500। किसान भाई एक माल बिका 15,500। माल ठोस है अगर देखा जाए, पत्ती निकली हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन माल ठोस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वैरायटी कौन सी दादा? ये तो अपनी देसी देसी है। क्या नाम आपका? सचिन जी। कहाँ से आए? इस्माइल खेड़ी। तो इस्माइल से बोला यार थोड़ा। क्या भाव गया ये? 15,500। और ये कली क्या भाव बिकी? 7,500। एक कली है इनकी जो कि 7,500 बिकी, छोटी साइज कली है। और मेरी आवाज़ हो सकता थोड़ा सा आपको दिख रहा हो, गला बैठा हुआ हल्का सा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ये वाला भी आप ही का माल है क्या? आपका है? क्या भाव बिका दादा ये? 9,700। किसान भाई ये एक माल दात्रा टाइप दिख रहा मेरे को तो, ये क्योंकि 9,700 थोड़ा बहुत अच्छा भी है। और ये वाला जी, ये वाला किसका? ये क्या गया है? 15,000। और एक माल जो कि इनका बिका 15,000 रुपये के हिसाब से। माल देखें छोटा साइज़ भी इसमें, लड्डू पैटर्न भी है, छर्री भी है, मिक्स है सब कुछ। दादा इधर आओ, थोड़ा लाइट में आ जाइए इधर। क्या नाम दादा आपका? अजय। अजय जी कहाँ से आए? इस्माइल खेड़ी से। क्या भाव गया आपका लहसुन ये? 15,000। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए थोड़ा और आगे चल के देख लेते हैं क्या गया। एक माल और दिख रहा हमको जो कि देखते हैं यहाँ पर। दादा क्या भाव बिका लहसुन ये? ये वाला हाँ जी 17,810। एक माल बिका 17,810। माल देखेंगे तो बड़ा साइज है, वजन भी है, ठोस भी है, बड़ा साइज भी नहीं। पर्ची को बाद जैसे दिखा दो बस। 17,810 और वाइटनेस भी बहुत बढ़िया है और बिका 17,810। दादा वेराइटी कौन सी है? वेराइटी कौन सी? वेराइटी पता आपको क्या? चलिए दादा क्या नाम आपका? इरफान जी कहाँ से आए? आज क्या भाव गया लहसुन अपना? 17,810। वेराइटी दादा को पता नहीं है लेकिन माल बहुत बढ़िया है। माल देखो वाइटनेस है, बड़ा साइज है। देखिए क्वालिटी का पैसा मिलेगा किसान भाई, मैं पहले बोल चुका बार बार। ये वाला भी आपका ही दात्रा वाला? दात्रा वाला क्या बिका कुछ देखा क्या आपने? सबका भाव डालूंगा, पूरा खराब हो चुका। क्या भाव गया ये? क्या भाव बिका? देखो पूरा खराब हो चुका है लगभग पूरी तरह से। दात्रा भी है उसमें, खराब भी हो रहा है। ये 5,000 बिका? ये 5,000 बिका, ठीक है। और वो 3,000? और ये बिका 3,000। दादा कहाँ? दादा क्या नाम आपका? साकिर भाई। साकिर भाई कहाँ से आए? कहाँ से आए? गाँव सारंगपुर के पास। क्या भाव गया लहसुन अपना जी? 3,000 और 5,000। चलिए जय जवान जय किसान। चलिए थोड़ा और आगे चलते हम लोग।
दादा ये क्या भाव बिका आपका है? किसका आपका माल है? क्या भाव बिका है? दस है के बाद किशन भाई एक माल बिका 12,900 रुपए के हिसाब से। माल देखेंगे, देखिए छोटा साइज भी है, लड्डू पैटर्न भी है, मीडियम साइज भी है, कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं कालापन भी आ रहा है, और ये 12,900 के हिसाब से बिका है। दादा वेराइटी कौन सी है? तुलसी। क्या नाम दादा आपका? मेहरबान। मेहरबान, भगवान मेहरबान है। क्या भाव गया आज आपका लहसुन? 12,900। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ये वाला क्या बिका? 8,000। ये वाला? ये वाला 8,000। और वो वाला? 9,000। दात्रा टाइप माल है किसान भाइयों, ये 8,000 बता रहे हो, ये गया 9,000, जो कि छर्री साइज माल है, कहीं ना कहीं छर्री माल है, और ये दात्रा वाला माल है जो कि 8,000 रुपये में बिका। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। 14,700 किसान भाई एक माल बिका, जो कि 14,700 बिका है। माल देखेंगे तो इसमें लड्डू पैटर्न और मीडियम साइज दोनों मिक्स है। दादा वेराइटी कौन सी है? अमलेटा है। दादा क्या नाम है आपका? पटेल साहब। कहाँ से आए? क्या भाव गया लहसुन अपना? 14,700। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है दादा, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और वैरायटी देख लेते हैं। हाँ दादा क्या भाव बिका है? 15,000 फिक्स। 15,000 एक माल बिका किसान भैया 15,000 रुपये के हिसाब से। माल देखेंगे तो बड़ा साइज़ ये वाला मिक्स है, इसमें लड्डू पैटर्न भी जी, लड्डू पैटर्न भी इसमें मिक्स है, और ये बिका 15,000। वैरायटी कौन सी दादा है? रियावन सिल्वर नहीं, सिर्फ रियावन। और ये वाला माल है, और इसमें देखो लड्डू पैटर्न भी आ रहा है। ये बाद में मिक्स है कि है इसमें? ऐसा ही है। अच्छा है इसमें मिक्स, तो इसमें छर्री भी बता रहे भैया कि छर्री भी मिक्स है। दादा क्या नाम आपका? विष्णु मोहतरा। कहाँ से आए? सिंदा गांव। क्या भाव गया आपका लहसुन? 15,000 फिक्स। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है दादा, चलिए थोड़ा और आगे चलते। दादा क्या भाव बिका है? 14,150। अच्छा लिया आपने 14,150। चलिए दादा ये क्या भाव बिका? कई मालूम है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। किसका माल किसका है? आपका है? मेरा है। क्या भाव बिका? 14,200। एक माल है किसान भाई जो कि बिका 14,200। थोड़ा सेंटेड बता रहे पूरी तरह से वैसे तो, हालांकि देखो इसमें ये थोड़ा आने लग गया क्या इसमें? हाँ ये देखो आप, पोचापन भी आने लग गया इसमें। बाकी वेराइटी कौन सी है? तुलसी है। तुलसी वेराइटी है। क्या नाम दादा आपका? बलराम पटेल, कंसाड़ा। बलराम, जय जवान, जय किसान, किसान। और जय बलराम, अपनी खुद की जय करो आज तो। क्या भाव बिका है? 14,200। ठीक है दादा, दादा माल बिक गया आपका? क्या भाव बिका? 11,000। और वो वाला भी आपका ही है? हाँ। वो वाला क्या बिका? 14,000। किसान भाई एक माल बिका 11,010 रुपए के हिसाब से। छर्री साइज माल है, बीच में लड्डू मिक्स है, और एक माल इनका जो कि 14,000 ना, 14,000 बिका है। हालांकि इसमें देखो पोछापन आने लग गया धीरे धीरे। और ये वेराइटी कौन सी दादा? महादेवी। चलिए जय जवान, जय किसान। ठीक है दादा, कुछ और माल भी है। कली क्या भाव गई? 10,000। हाँ किसान भाई कली है जो कि 10,000 रुपये में बिकी गई। नहीं कि कली देखा जाए तो ठीक ठाक है, छोटी साइज भी हालांकि और बढ़िया है, और ये दांत ये पूरा तो खराब हो चुका है। ये 2400। देखो किसान भाइयों, मैं आपको यही समझा रहा हूँ बार बार, ये कालापन जो आएगा ना, ये तो बिनी है, ये बिनी हुई और कालापन, इसका ध्यान रखो आप। ये माल घटा, ये भाव घटाने वाला ही है, क्योंकि दात्रा भी अच्छा जा रहा है, लेकिन ये देखो कालापन है, उस कारण कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत आ गई है। चलिए जय जवान, जय किसान। बिक्या क्या भाव बिका? राम राम दीदी, राम राम। किसान भाई एक माल जो कि 12,000 रुपये, लड्डू पैटर्न और छर्री दोनों मिक्स है इसमें। वेराइटी कौन सी है? ये पता नहीं है। पता नहीं है। क्या नाम दादा आपका? पाटीदार जी। कहाँ से आए? क्या भाव गया लहसुन अपना? 12,000। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। दादा बिक गया माल? बिक गया। तो पार्टी कौन देगा तुम में से? अरे मैं दे दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या भाव बिका? 13,800। किसान भाई ये वाला माल यही है ना? एक माल जो कि 13,800 बिका लड्डू पैटर्न में और मीडियम साइज दोनों माल है। वेराइटी कौन सी ज्यादा है? अमलेटा। अच्छा कैंसिल करा दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, माल अपना ही है, अपनी मर्जी, अपन चाहे जब बेचे जब चाहे कैंसिल करवा दे। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है दादा।